नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ओजोन लेयर को लेकर जो हाल ही में रिकवरी की बात करी गई है उसके बारे में। दरअसल यूएस, यूएन, ईयू और कई एजेंसीज का मानना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है ओजोन लेयर में। दरअसल में डिप्लीशन को वर्स्ट फॉर्म में ऑब्जर्व किया गया था बहुत पहले एंटार्क्टिक में, और ऐसा बताया जा रहा है कि डिफरेंट प्लेसेस पे इसे जल्द ही रिकवर फॉर्म में ऑब्जर्व किया जा सकता है कुछ ईयर्स में। ओजोन लेयर दरअसल हमें प्रोटेक्ट करती है सन के हार्मफुल रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से, और हाल ही में जो डिप्लीशन हो रहा है उसका वह कंसर्निंग माना जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर्स और कई जगह पे यूज़ किए जाते हैं वह इसका मेन कारण माना जाता है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि डिप्लीशन 1985 के अराउंड से ही लेयर में देखने को मिल रहा है, और उसके बाद ही 1987 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कर दिया गया था कि हार्मफुल केमिकल्स के यूसेज को कम किया जाए। 2040 तक ऐसा बताया जा रहा है कि कई जगह पर ओजोन के लेयर में फिर कभी देखने को मिल सकती है। वहीं पर 2045 तक आर्कटिक में, 2066 तक एंटार्कटिक रीजन में रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओजोन लेयर रिकवर किया जा सकता है 1980 के दशक में जैसा था वैसा स्टेटस, फिर एक एरोसोल इंजेक्शन SAI जिसे कहा जाता है उसके ज़रिए भी ऐसा बताया जाता है कि क्लाइमेट वार्मिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। वीडियो छोड़ के तुम्हारे साथ जुड़ा, धन्यवाद।